हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक एंड बेस्ट गार्ड डॉग की कैटेगरी में आने वाले डाबर मैन। यस गाइस, आज मैं डाबर मैन के पप्पी लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, जो ओनर ने इसके प्राइस की डिमांड की है वो बहुत ही ज्यादा कम करी है। यस गाइस, आपने अक्सर फीमेल के भी प्राइस कम देखे हैं, बट आज की वीडियो में आपको मेल के भी प्राइस कम मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इतने कम प्राइस में शायद ही आपको कहीं डाबर मैन के पप्पीज मिलेंगे। गाइस, आपको इनकी एज प्राइस लोकेशन की फुल डिटेल मिल जाएगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनके मदर एंड फादर की। मैं आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा, मेटिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो गाइस, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। तो चले गाइस, शुरू करते हैं। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल डॉग वर्ल्ड पे। गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर शो होगा, माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर करके। गाइस, वो नंबर मेरा है। इट मींस आपके पास कोई डॉग या पपी सेलिंग के लिए है, या आप उसकी फ्री अडॉप्टेशन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उससे बात करके उसकी एज, प्राइस, लोकेशन की फुल डिटेल देके, वीडियो फोटोग्राफ देके आप हमारे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब आते हैं फाइनली वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए डॉबर मैन के पपी। गाइस, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इन पपी की। तो गाइस, आप एक ऐसे डॉग ब्रीड परचेज करने के बारे में सोच रहे कि वो बेस्ट गार्ड डॉग हो एंड बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड हो, तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड होते हैं डॉबर मैन। यस गाइस, डॉबर मैन बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग एंड एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी गार्डिंग पर्पज से। आपके पास कोई लार्ज फार्म हाउस हो या फार्म लार्ज हाउस हो तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है गार्डिंग पर्पज से। बट गाइस, आपके पास कोई स्मॉल हाउस हो या छोटा हाउस हो तो आपके लिए ब्रीड नहीं है। यस गाइस, इनके लिए स्पेस होना काफी जरूरी है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्टिव डॉग ब्रीड है। इनको छोटे स्पेस में बिल्कुल भी ये नहीं रह पाएंगी। आपके लिए इसके लिए कम से कम मीडियम साइज का हाउस या लार्ज साइज का हाउस तो जरूरी है, जिससे कि अपनी पावर को रिलीज कर सके एंड गार्डिंग पर्पज से काम आ सके। तो गाइज, आप इन पपी को परचेज करते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सुबह शाम इनको वॉक जरूर कराएं एंड एक टाइम रनिंग कराएं, जिससे कि इनकी एक्सरसाइज हो सके एंड एनर्जी रिलीज हो सके। क्योंकि गाइज, इनकी जब एक्सरसाइज नहीं होगी, ये वॉक नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बन जाती है। बट आप इनकी अच्छे से केयर करते हैं एंड सोशलाइजेशन कराते हैं तो ऐसी डॉग ब्रीड नहीं बनेगी। बाकी गाइज, परफेक्ट डॉग ब्रीड है मेरे हिसाब से, तो क्वालिटी आपके सामने है। गाइज अब ये प्री बुकिंग के लिए आए हुए पप्पी, आप इनको बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ओनर ने इतने कम प्राइस रखे हैं, बहुत ही जल्दी सेल हो जाने वाले हैं। आप जल्दी से ओनर से कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि ये सेल ना हो। तो गाइज, ये एक अमेरिकन डॉबर मैन है। यस गाइज, ये अमेरिकन डॉबर मैन है। आपको इनके मैं मदर एंड फादर की क्वालिटी दिखाऊंगा, बाकी आपके पास ये मदर के पप्पी तो देख ही सकते हैं। तो गाइज, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो लेके आता रहता हूँ एंड फ्री अडॉप्टेशन के ऊपर। तो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे ऑल पे कीजिए। और हाँ गाइज, आपने देखा ही होगा हमारी वीडियो कम से कम प्राइस पे आती है। यस गाइज, मैं कम से कम प्राइस पे पपी लेके आता हूँ आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके आपको हमारे वीडियो पे कम से कम प्राइस मिलेंगे। आपने देखा ही होगा हमारी वीडियो जो रेगुलर देखते हैं भाई। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट डॉग ब्रीड है आपके गार्डिंग पर्पज से एंड आपके फैमिली मेंबर के लिए भी। बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है, पावरफुल होती है। गाइज, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इनको होते हुए। चले गाइज, अब आते हैं फाइनली इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के ऊपर। तो गाइज, जो इन पप्पी की एज हो चुकी है वो हो चुकी है 16 डेज। यस गाइज, ये 16 डेज ओल्ड के पप्पी हो चुके हैं। आप इनकी प्री बुकिंग कर सकते हैं पहले से ही, क्योंकि गाइज ओनर ने बहुत ही ज्यादा कम प्राइस बताई है, बहुत ही जल्दी सेल हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप जल्दी से जल्दी ओनर से बात कीजिए इनको परचेजिंग के रिगार्डिंग। तो चले गाइज, अब आते हैं फाइनली इनकी लोकेशन के ऊपर। तो गाइज, इनकी लोकेशन है देहरादून। यस गाइज, आपको देहरादून में अवेलेबल हो जाएंगे, बट गाइज आपको इसके अंदर कोई भी डिलीवरी नहीं मिलने वाली, आपको ओनर के होम जाके इनको परचेज करने पड़ेगा। गाइज, मेरी तो वैसे यही रिकमेंडेशन रहता है कि आप ओनर के होम जाइए, होम जाके इनको पप्पी को देखिए एंड इनकी मदर फादर की क्वालिटी देखिए और जब भी परचेज कीजिए। गाइज, उससे क्या होता है, आप इनकी डाइट वगैरह भी पूछ सकते हैं, इनको कैसे रखना है ये भी पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो गाइज, अब मैं दिखाता हूँ आपको इनके मदर एंड फादर की मेटिंग वीडियो। गाइज, मदर फादर की मेटिंग वीडियो आप देख सकते हैं, दोनों ही अच्छी क्वालिटी के मदर एंड फादर, ये मैंने आपको बताई है, अमेरिकन डॉबर मैन पप्पी है गाइज ये। तो गाइज, अब आते हैं फाइनली इनके प्राइस के ऊपर। तो गाइज, जो ओनर ने इसका प्राइस की डिमांड की है वो फीमेल की किया 7,000 रुपीज। यस गाइज, 7,000 रुपए ओनली। एंड जो मेल की डिमांड की है वो किया 8,000 रुपए ओनली। गाइज, प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, इनकी क्वालिटी के हिसाब से आपने इनकी मदर एंड फादर की क्वालिटी देख ली है। बाकी आप इनको पेयर में परचेज करते हैं तो आपको और कम प्राइस में पड़ जाएंगे, आप डायरेक्टली ओनर से बात कीजिए प्राइस के रिगार्डिंग। बाकी प्राइस गाइज बहुत ही जेन्युइन है, मेरे हिसाब से लगता नहीं आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप डायरेक्टली बात कीजिए, जल्दी से इनको परचेज कीजिए, क्योंकि गाइज बहुत ही कम प्राइस है। तो गाइज, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओनर कॉन्टैक्ट नंबर करके आप डायरेक्टली ओनर से बात कर सकते हैं। तो गाइज, जाइए परचेजिंग के रिगार्डिंग बात करिए। अब मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और डॉग के साथ, जब तक के लिए गाइज, जय हिंद जय भारत।